आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त चिकन मखमली हांडी। देखिए गाइस, चिकन मैंने ली है आधा किलो, इसको धोकर साफ कर लिया है। धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून और नमक लिया है 1 टीस्पून। काली मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। गाइस ये है जीरा 1/2 टीस्पून, मैंने इसको भूनकर कूट लिया है। 2 टीस्पून जो है मैंने लिए है चिली फ्लेक्स और 1/1 टीस्पून मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 4 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल दिया है और इसको गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बटर ऐड कर रही हूँ और 2 सब्जी इलायची। सब्जी इलायची को थोड़ी सी देर जो है हम फ्राई कर लेंगे, जब तक बटर मेल्ट नहीं जाता जब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए और फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब मैंने 2 प्याज को जो है पीस कर इसमें डाल दिया है और ये दरमियाने साइज की प्याज थी। गाइस अब हम प्याज के साथ इसको इतना भूनेंगे, ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में प्याज को और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। गाइस ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए और आप देख रहे होंगे ये जो है ऑयल सेपरेट होने लग गया है, ये नजर आ रहा है ऑयल। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे जो हमने धोकर साफ कर रखी हुई है पहले से ही। अब चिकन के साथ हम इसको 3 मिनट और भूनेंगे अच्छी तरह, जब तक चिकन का कलर जो है व्हाइट रंग का नहीं हो जाता। इसको इतना हमें फ्राई करना है चिकन को। 3 मिनट और हो चुके हैं इसको पकते हुए, आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैंने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया है और इसके साथ भी हम इसको 2 मिनट और फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो है कच्चापन भी खत्म हो जाए। ठीक है, मैंने इसको 2 मिनट और फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले डाल रहे हैं सारे जो हमने निकाल के रखे हुए थे। अब मसालों के साथ भी हम इसको 2 मिनट और फ्राई करेंगे गाइस ताकि मसाले वगैरह भी अच्छी तरह भुन जाए। इसी स्टेज पर हमें मसाले भुनने हैं क्योंकि हम बाद में जो है मसाले नहीं भुनेंगे, बस इसी स्टेज पर हमें 2 मिनट मसालों को अच्छी तरह भुनना है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। देख सकते हैं कि मसाला हमारा भुन चुका है, इसमें दाना सा बन गया है, यानी कि मसाला जो है हमारा भुन चुका है। ये प्याज के भुनने की पहचान होती है, इसमें दाना बन जाता है। बस पानी ऐड कर रही हूं ताकि जो है जब हम इसमें दही डालें तो वो फटे नहीं, दही दाना ना बने दही का। मैंने दही को अच्छी तरह फेंट लिया है और ये आधा कप दही थी, इसको फेंटने के बाद मैंने इसमें जो है डाल दिया है। इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस मैंने अच्छी तरह दही को मिक्स कर लिया है। अब दही को मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो है चिकन अच्छी तरह पक जाए। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट पका लेंगे कवर लगाकर। मैंने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें कवर लगा दिया है, तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए और बहुत ही जबरदस्त लग रही है और आपको दिख रहा होगा कि इसमें पानी जो है खत्म हो चुका है। एक दफा हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसमें जो है मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप क्रीम। गाइस अगर आपके पास दूध की मलाई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्रीम ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, ये मैंने पहले ही भिगो दी थी ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए और ये 1 टेबल स्पून थी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म मसाला 1/2 टीस्पून। इन दोनों चीजों को भी हम इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस मैंने 1 मिनट और इसको अच्छी तरह पका लिया है और अब हमारी जो चिकन है वो तैयार है। अब इसके लिए हम एक तड़का तैयार करेंगे गाइस बहुत ही जबरदस्त। ये देखिए मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया है। 2 टेबल स्पून जो है मैं इसमें बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर से जो है बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है और फ्लेवर भी बहुत ही जबरदस्त आता है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अब जीरे को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्लेम को हमें लो रखना है, हाई नहीं करिएगा ताकि ये जले नहीं। ये देखिए हमारे जीरे में से बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी। ये मैंने शिमला मिर्च ली है 1 अदद, इसको कट कर लिया है। 1 अदद टमाटर था इसको कट कर लिया है। 4 अदद हरी मिर्च थी इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और गाइस टमाटर के जो बीज थे वो मैंने हटा दिए हैं, वो हमें नहीं डालने हैं। ये धनिया हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अब लो फ्लेम पर 1 मिनट तक इन वेजिटेबल को हम फ्राई करेंगे गाइस जब तक इसमें से जबरदस्त खुशबू नहीं आने लग जाती। ये देखिए गाइस 1 मिनट हो गया है इसको फ्राई होते हुए, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी बटर की, जीरे की, शिमला मिर्च की, गाइस हरी मिर्च की, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी पूरे घर में। गाइस ये देखिए हमारे जो तड़का है तैयार हो चुका है। अब मैं इसको जो है चिकन पे ऐड करने लगी हूँ और जो ये तड़के को अच्छी तरह हम साफ करते हुए डालेंगे ताकि बटर वगैरह जो है जितना भी हमने डाला है अच्छी तरह साफ हो जाए फ्राई पैन में से। और इसको डालने के बाद हम इसको जो है मिक्स करेंगे। देखिए मिक्स कर दिया है मैंने, देखिए मैंने हरा धनिया इस पे डाल दिया है। अब हमारा सालन जो है तैयार हो चुका है, दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे चिकन मखमली का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।